हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, टुडे इज़ अनदर डे और अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ एक कैफ़े। मैं शिल्पा साहिल और मैंने फिर से ना रीवियर किया अपना ये वाला टॉप, क्योंकि कुछ था ही नहीं पहनने के लिए। गाइज, मैंने समर्स के लिए कुछ कपड़े ऑर्डर करे, अब तक आए नहीं, वो डिलीवर नहीं हुए, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो कैसा लग रहा है तुम लोग कॉमेंट करके बताना। मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज भी पहनी है और शिल्पा तमीज़ नहीं है। ऐसा तो कोई तेरा एग्जाम नहीं चल रहा है काजल। तो फटाफट चलते हैं कैफे और फिर आके मिलते हैं। और आज वो क्रोशे टॉप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से सब फ्लावर फ्लोर लग चुके हैं उस पर। और आके शिल्पा को हम वो गिफ्ट करेंगे और शिल्पा में पहन के भी दिखाएगी। गाइस, शिल्पा ने अभी देखा नहीं है पूरा फाइनल कैसा बना है, तो तभी देखेगी। सो या लेट्स गो। सो गाइस, वी आर बैक होम आफ्टर डिनर। कल आ गए थे मतलब कल गए थे डिनर पे, घर आज वापस आए हैं। और अब मैं शिल्पा जी को गिफ्ट करने वाली हूँ वो क्रोशे टॉप, और शिल्पा जी उसको पहन के दिखाने वाली। बन गया है वो फाइनली शिल्पा की वजह से। वो थोड़ा लेट हो गया, कल ही मैं व्लॉग बना लेती बट कल इसकी तबीयत खराब हो गई थी, आके सो गई, इसलिए आज मेरा व्लॉग ही नहीं आ पाया। वरना मैं एक दिन नहीं छोड़ना चाहती गाइस व्लॉग, बट शिल्पा की वजह से ही नहीं आया था, शिल्पा की वजह से ही नहीं हो पाया था गाइस, शिल्पा की वजह से ही हुआ था बस जो हुआ था ना, समझ गए ना हम लोग, शिल्पा की वजह से। तो आज हम इसको सरप्राइज करते हैं क्रोशे टॉप देके, और उसके बाद हम करेंगे पार्टी। शिल्पा बर्गर खिलाएगी ना, मैं तेरा टॉप बनाया इतने दिन। डिपेंड करेगा कि आपका वो पुश्तैनी क्रोशिया टॉप बना कैसा है, उसको ऋतिक ने क्रोस्टेला बोला। भाई मुझे इतनी हंसी आई, ऋतिक ने मुझे कॉल की, कहता मैं यही कर रही थी, इसका टॉप कंप्लीट कर रही थी फिनिशिंग। वैसे मैंने मम्मी से कराई है थोड़ी बहुत उसमें फिनिशिंग, क्योंकि मुझे आती नहीं थी करनी, तो मैं लेके बैठी थी। इतना क्यों एक्सप्लेन किया मैंने, तो ऋतिक कहता बन गया तेरा क्रोस्टेला। मैंने कहा क्रोस्टेला? कहता ये जो कर रही है क्रोस्टेला ही तो कहते हैं। मैंने कहा नहीं, कह रहा फिर कॉन्स्टेलेशन कॉस्टेला, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। अनएजुकेटेड दोस्त है सारे यार। चलो अब इसको हम दिखाते हैं क्रोशे। शिल्पा चल, कितने ब्लैक आ रहे हैं हम। इधर आएंगे तभी, कहा था उधर बैठ। क्यों? व्हाइट वॉल है ना, ऑब्वियसली व्हाइट वॉल पे ब्लैक आते हैं। चल छोड़, 1 2 3 एंड गो। ये मेरे सामने ही बना है गाइस, लेकिन अब फाइनली ये जो बना है, तो ये बकवास कर, ये मुझे नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट भी पूरा खत्म हो चुका है इसको देख देख के डेली। सॉरी, वेट। कैसा लगा आपको? आपके कोई वो नहीं था एक्सप्रेशन? हाँ, कुछ नहीं था, क्योंकि अच्छा नहीं है। तुझे लग रहा है इसे मैं पहनूंगी? गाइस ये देखना इसने क्या बनाया है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। ओ पीछे बैक। कम बकवास कर ले। मैं कभी नहीं पहन सकती ये जो तूने इतना अजीब बकवास बच्चों वाला, कोई मैं स्कूल गोइंग किड तो हूँ नहीं जिसे तू ये पहना देगी, ये कहीं से भी नहीं। ड्रामे कर रही है ना फालतू। मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ फिर ला दे, हाँ ये ले, मुझे नहीं फेंक अच्छा के मत, मैं तेरे खोपड़े पे मार दूंगी, फेंक मत मेरी चीज। अच्छा लगा बिल्कुल भी, पहन के आ जा। मैं के प्लीज ना पहन के दिखा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बदतमीजी मत कर। मजाक कर रही हूँ, बहुत सुंदर है इसका, मुझे वेट था गाइस, मुझे था मेरे मरने से पहले दे देगी तो शायद मैं इसे पहन पाऊँ, आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। मुझे बहुत सुंदर लगा ये, बहुत ज्यादा, पर पहन के दिखा यार, बहुत डाउट है कि नहीं। हाँ चल, थमने थोड़ी रो कि बहन हुई इमोशनल हैंडमेड टॉप लेकर, बस चल गाइस हो गया। अब पहन के दिखा। मैं नहीं पहनूंगी अभी। यार ड्रामे मत कर शिल्पा। अभी खराब कर दू, वेस्ट कर दू इसको? कुछ, अरे ये देखना मुझे फिट आएगा नहीं आएगा, प्लीज पहन ले, प्लीज 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 प्लीज। कमेंट करेंगे तो मैं प्रॉपर पहनूंगी। यार शिल्पा ड्रामे मत कर यार। नहीं यार काजल, तू मुझे मत उठा अभी, मैं इसे पहनूंगी, सुंदर सी लुक लूंगी, और वो मफलर भी दे मुझे, मजा आएगा। पहन के दिखा फिर। नहीं पहनूंगी आज के व्लॉग में मैं इसे, तू पहन के दिखा दे इनको, इतना ही है तो तुझे। मैं तो इसे अच्छे कर रही है ड्रामे, तूने व्लॉग से पहले क्या बोला था, पहन के दिखाऊंगी। मैं इसके साथ अभी मैं ये सोच रही हूँ, ऐसे ही पहन लूंगी ना तो इसकी लुक खराब हो जाएगी, व्हाइट पैंट्स लेके उसके ऊपर इसको पहन के सुंदर से बाल और सुंदर से रेडी होके करूंगी। मैं दिखा रही हूँ इनको पहन के। नहीं तू हट, वापस कर मेरा टॉप, मैंने तेरे लिए बनाया नहीं था। टॉप मेरा ही है गाइस, ये मैंने अपने लिए बनाया था, सच्चाई तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ, और ये नहीं पहन रही तो मैं खुद पहन लूंगी। तू ही पहन ले, पर ये मेरा टॉप है और बहुत सुंदर। और मैं ये टॉप फेंक भी रही हूँ, ये ले और पहन लेगा ना एक बार। व्हाइट पैंट्स के साथ ही मैं दे रही हूँ व्हाइट पैंट्स।
दू ना? हाँ जा चल ठीक। क्या ब्लॉग के नाम पे फोर्स क्या? दुखी कर दिया तूने। दुखी किया ये मैंने क्यों? कैमरा लगा के ये कर ये कर ये कर, पता है बंदा कुछ बदतमीजी तो कर नहीं सकता, पर मैं इसको व्हाइट पैंट्स अपनी के साथ ही पहनना चाहती हूँ। चुप हो गाइज, ये रही व्हाइट पैंट, ये रहा वो मफलर और ये रहा पूरा सेट। चल बन सेंटा क्लॉज, खड़ी हो। शिल्पा आप ड्रामे मत कर यार। तू क्यों इसी व्लॉग में इसको पहनवाना चाहती है यार, ये कितना सुंदर। अरे तुम व्लॉग में ही पहन के दिखाएंगे ना, और किस में दिखाएंगे? पहनती हूँ अभी इनके सामने, चेंज कर। पहन ले। 5 मिनट बोली थी गाइज इसने। मुझे टाइट है, मैं बहुत अच्छे से पहन, मैं खुद पहन रही हूँ। सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये रिक्वेस्ट आपने तब तो नहीं बोली थी। इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि मुझे था तेरी पैंट्स तुझे अच्छा ही नहीं लगा। टॉप मुझे बहुत सुंदर लगा है भाई, ये मैं दिल से, मैं इसको फाड़ रही हूँ। तू पहले चल, तू डिसाइड कर ले तुझे करना क्या है। ये इतना सुंदर है, ये मम्मा ने बनाया था, ये इतना सुंदर है, ये चीज तुझे पता है। गाइस इसको मैंने अपने इतने प्यार से दिल से इसको एक चीज गिफ्ट करी, और सिंपैथी गेन करने का जो ये तरीका आप यूज कर रही है, ये मुझे ऐसे कर रही है कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट भी उसको पहन के नहीं दिखा रही है। जिस बंदे ने काजल, अब मैं क्या ही रिक्वेस्ट करूँ जब तुझे अपना ही कुछ आला बनाना है। इतनी मेहनत करके जिस बंदे ने 2 महीने में ये पूरा टॉप बनाया है, फ्लावर्स बनाए, 2 महीने नहीं 6 महीने रातों को बैठ बैठ के फ्लावर्स बनाए हैं, ये नहीं पहन रही। क्यों? क्योंकि इसका मन नहीं है। ऐसा पर इसने नहीं है मन की बात यार, तो कुछ पर इसने ये नहीं देखा कि मेरी कितनी मेहनत है। कोई नहीं, देना ही चाहिए, ऐसे लोग ना डिजर्व ही नहीं करते ये सब चीजें। मैं अपना टॉप वापस ले जा रही हूँ गाइस, मैं नहीं दे रही आपको। बाय। मत कर यार ऐसे काजल, अच्छी नहीं लग रही है तू ये सब कर। तू अपने फोन में लगी, तेरा फर्क नहीं पड़ रहा है? मैं अपना काम कर रही हूँ साथ साथ, मुझे फर्क पड़ रहा है। फ्रेंडशिप ओवर। ठीक है काजल, आज फ्रेंडशिप ओवर ही कर दिया। अब पता है टाइटल क्या जाएगा सुबह? बहन ने गिफ्ट, हैंडमेड गिफ्ट लेने से किया इनकार, और तू बनेगी लोगों के सामने ईविल। उनको भी पता है मैंने बहुत सच्चे दिल से रिक्वेस्ट की है कि मैं अच्छे से कल पहन के दिखाऊंगी प्रॉपर। हमें नहीं देखना, निकल यहाँ से। ये मेरे एज इट इज बैग, अब ये मेरे कपड़े हैं, और तू निकल, क्योंकि गाइस कल तो हम जा रहे हैं वृंदावन, तो ये मुझे पता है कभी नहीं पहनेगी इसको, ये पागल बना रही है। इसको अच्छा ही लग रहा था, इसने मम्मी को भी बोला था कि ये तो अच्छा है ही नहीं, क्या बनाई है, टाइम पास कर रही है, ऊन वेस्ट कर रही है, इसने ऐसे बोला था। ऐसे झूठ झूठ मत बता, नहीं कुछ भी। क्या झूठ झूठ? सच है, मैंने कुछ बोला नहीं है, ये मैंने इतने दिल से बनवाया, नहीं तो ये बनने भी नहीं वाला था गाइस। प्लीज, ये तो कहती चल ना, क्या सर दर्द हो गया, ये डेली डेली बैठ जाती हूँ मैं। मैंने कहा काजल कोई नहीं, अब बनाना है तो पूरा करके उठ प्लीज। अब मैं अपने लिए बर्गर ऑर्डर करने जा रही हूँ, अकेले खाऊंगी और इसको दूंगी भी नहीं। मैं भी खाऊंगी, शक्ल अपनी देख। खाना भी नहीं, वैसे मेरी हेल्थ इश्यूज है, मैं खा भी नहीं सकती बाहर का। थैंक यू सो मच, मुझे नहीं खाना है। गाइस मेरा दिल कितना अच्छा है, इसने मेरे टॉप वगैरह कुछ नहीं पहने, फिर भी मैंने इसके लिए बर्गर मंगवाए हैं। मैंने मैकडी से मंगाए शेजवान बर्गर अपने लिए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और अभी वैसे मैंने रात को ऑर्डर किया तो थोड़ा ऐसा ऑर्डर लग रहा है ये, मतलब फ्रेश नहीं दिख रहे, बट लेट मी टेस्ट इट। और जिन्होंने नहीं किया मैं उनको भी बताऊंगी कैसा टेस्ट है इसका। शेजवान बर्गर कुछ बता हमें, हम सुनना चाह रहे हैं अब इतनी देर से। जैसे मंचूरियन तो उसमें तो होती है, वो स्पाइसी होता है। खा खा खा।